गाडरवारा में प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। ओशो का गाडरवारा से बड़ा लगाव है क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाडरवारा में ही हुई थी। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम कुछवाड़ा में हुआ था। बताया जा रहा है कि ओशो जन्म से विलक्षण थे। जब वो पैदा हुए उन्होंने 3 दिनों तक अन्य बच्चों की तरह माँ का दूध नहीं पिया और ना ही रोए। इस बात को लेकर घर वाले बेहद परेशान थे। कुदरत का ये करिश्मा देखकर परिवार के लोग समझ गए कि ये बच्चा विलक्षण है। ओशो के घर के पास ही शक्कर नदी है जहां उनका आश्रम बना हुआ है। यहां देश भर से उनके अनुयायी पहुंचकर सत्संग करते हैं। और जो शिविर चल रहे हैं उनमें सम्मिलित हैं और उसके बाद अगर उनके लिए ऐसा भय उठता है संन्यास में आने का तो सन्यासी बने और जीवन को उत्सव में बनाए। और ओशो तो ये कहते हैं कि कहीं की परमात्मा की खोज में लगे हो, परमात्मा तुम्हारे अंदर है और जैसे जैसे तुम ध्यान में जाओगे तुम्हारा अहंकार खोता जाएगा, तुम परमात्मा हो जाओगे, तुम्हारा मन चला जाएगा, तुम्हारा गरीब खो जाएगा, तुम भगवान हो जाओगे। आज कौन कौन से ध्यान हुए हैं? आज सुबह शक्ति ध्यान हुआ कोई 7 बजे, फिर उसके बाद ओशो के प्रवचन चले, उसके बाद फिर सन्यासी मित्र ने नाश्ता किया, चाय ली,